फॉर्म ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आ रही बात समझ में? लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बताया था, आज एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप क्या करो, यू सर्च फॉर IIT कॉलेजेस, सर्च बिल्डिंग प्लेसमेंट्स, ब्लॉग पढ़ो, जैसे IIT दिल्ली से निकले हुए जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो आज कहाँ पर हैं, उनका क्या इंजीनियरिंग का जो टाइम निकला वहाँ पर वो कैसा निकला, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एक एक कॉलेज के अंदर, कितनी कंप्यूटर साइंस की हैं, कितनी मैकेनिकल हैं, कितनी इलेक्ट्रिकल हैं, कितनी ENC हैं, IT में क्या आजकल चल रहा है, सिविल का क्या स्कोप है। आप जब तक इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं होगे, अपन ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, नॉलेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट। ये फंडा लिख लेना, नॉलेज एरो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा किसी चीज में तभी अपने को उसकी नॉलेज आएगी। आप अपनी लाइफ में ही देख लो, आपको किसी ना किसी स्पोर्ट्स के अंदर नॉलेज है, या म्यूजिक में किसी को इंटरेस्ट है, या XYZ किसी को कार्स में इंटरेस्ट है, किसी को मोटरसाइकिल्स में इंटरेस्ट है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट सबके क्या हैं, अपने डिफरेंट हैं रादर देन स्टडीज। तो अपने को उसी फील्ड में क्या होगी, नॉलेज गैदर हो जाएगी। जैसे कई स्टूडेंट्स मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कईयों को बास्केटबॉल की बहुत अच्छी नॉलेज है, कईयों को क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, कईयों को फुटबॉल की बहुत नॉलेज है। फुटबॉल के दुनिया भर के क्लब्स हैं, बार्सिलोना है और बहुत सारे क्लब हैं, उस बार्सिलोना क्लब के कौन कौन से, रियल मैड्रिड है, उसके कौन कौन से फुटबॉलर प्लेयर्स हैं उनके नाम तक मालूम है। तो इतनी नॉलेज आई कहाँ से, कहाँ से आई नॉलेज? क्यों? क्योंकि उस बच्चे का पर्टिकुलरली उस फुटबॉल में इंटरेस्ट था, तो वो मैचेस देखता होगा, टाइम इन्वॉल्व करता होगा, तो उसका इंटरेस्ट था, तभी तो नॉलेज आई ना। अपने को भी उसी चीज में नॉलेज है जहां पर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो पढ़ाई को अपन अपना एरिया ऑफ अगर इंटरेस्ट बना लेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट नॉलेज। आज मैं एज अ फैकल्टी, मेरे को ये सारी चीजें क्यों याद है, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आई एम अर्निंग फ्रॉम इट, नॉट ओनली मनी, आई एम गेनिंग पॉपुलरिटी, थाउजेंड्स ऑफ सिलेबस आर बीइंग सोल्ड ऑफ नीट एंड IIT ऑफ माइन, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट व्हेन आई गो समवेयर इन मॉल और डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ कोटा, मेनी स्टूडेंट्स कम टू मी, ओ सर आई हैड बीन स्टडिंग बाय योर वीडियो लेक्चर्स, या मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगेन पॉपुलरिटी, एवरीवन वर्क्स फॉर मनी एंड पॉपुलरिटी। अच्छा लगता है बच्चे आके बोलते हैं रिजल्ट के बाद कि सर आपके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आए, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे आके कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऑफलाइन कोचिंग के नहीं भी हैं, E2s के जितने भी स्टूडेंट हैं, सर आपके पढ़ाए हुए में से सारे के सारे क्वेश्चन आए। तो दिस इज द पर्क ऑफ माय जॉब रादर देन गेटिंग मनी। मनी यू कैन गेट फ्रॉम एवरी जॉब, आप कोई भी जॉब करेंगे, कोई भी कंपनी में होंगे, MNCs में वर्क कर रहे होंगे, छोटी लेवल पे वर्क कर रहे होंगे, बड़े लेवल पे वर्क कर रहे होंगे, बट हाँ पैसे सब देंगे आपको, कोई जॉब कम देगा, कोई ज़्यादा देगा, बट उसके साथ साथ इफ़ यू आर गेटिंग गुड रिकॉग्निशन, आपकी वैल्यूज हर्ट नहीं हो रही हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो, आप किसी से ब्राइब नहीं ले रहे हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं। तो वही चीज़ आप अपने फ्यूचर के लिए सोचो और ये देखो कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे लिए बेस्ट होगा। ब्लॉग पढ़ो, सारे IITs की बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग देख के अपने को मालूम पड़ेगा, हाँ यार ये IIT है, ऐसा कैंपस है इसका, रुड़की का कैंपस ये है, IIT मुंबई ऐसा है, IIT दिल्ली ऐसा है, कल्चरल फेस्ट ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी सिंगिंग मर गई IIT के कॉलेज में अगर मैंने लिया, तो कल्चरल फेस्ट होंगे वहाँ पे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी होता है, डांसिंग कॉम्पिटिशन भी होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि IIT में स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते हैं या अपन एक्टिंग लाइन में नहीं जा सकते हैं। आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो MS धोनी का जो एक्टर है, क्या नाम है उसका, अरे सुशांत सिंह राजपूत, ही इज़ ए NITian और उसकी बहुत अच्छी रैंक थी, अराउंड अंडर 10 था या 50 था, पर आज एक्टिंग लाइन में चला गया। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स आर, अब जैसे 3 Idiots वाली मूवी है उसमें जाने कहाँ इंजीनियरिंग को
किसी लेवल पे पहुंचाए हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। नॉलेज आएगी, आप उसमें आगे काम करोगे, बट यू हैव द सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन योर माइंड कि अगर आप किसी IIT इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हो तो हाँ, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब। आपने अच्छी पढ़ाई करी है, आप तरीके से काम कर रहे हो, आप पोलाइट हो, हम्बल हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, तो आप एक अच्छी जॉब फेच कर लोगे। तो एक सिक्योरिटी होगी कि भाई स्पोर्ट्स में नहीं कामयाब हुआ, या सिंगिंग में कामयाब नहीं हुआ, या कोई और दूसरे जॉनर में अपन कामयाब नहीं हुए, तो एटलीस्ट वी हैव द सिक्योरिटी, वी हैव अ बैकअप कि अपन वापस से जॉब ज्वाइन कर लें। तो पढ़ने से पहले अपने माइंड सेटअप, माइंड मेकअप इस तरीके से करो कि यही हमारे को आने वाली लाइफ के अंदर क्या है, कोई भी चीज़ अचीव कराएगा। पढ़ाई से ही हम स्पोर्ट्स में भी जाएंगे, एक्टिंग में भी जाएंगे, वी हैव द बैकअप प्लान। अब यही बातें बार बार अपन यही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी स्टेज